अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे हैं वो। मनोहर लाल कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो कुरुक्षेत्र में मौजूदगी है मनोहर लाल खट्टर की, कर्मभूमि जिसे बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में हरियाणा के बारे में हरियाणा की नस नस से कहा जाए कि वाकिफ हैं, और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेने के लिए मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। और सिर्फ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बल्कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ले रहे हैं। आप अगर गौर करें तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहते हुए, हमने देखा है कि ताबड़तोड़ कई मीटिंग्स मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा में हम देख रहे हैं। यानी कि हरियाणा में नजर दखल मनोहर लाल खट्टर का पूरा पूरा है। हरियाणा के विकास को लेकर पूरी नजर बनी हुई है। हमारे साथ अशोक यादव सहयोगी जुड़ गए हैं। अशोक, डिटेल में बताइए मनोहर लाल खट्टर के इस दौरे के बारे में। देखिए, पूर्व मंत्री मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे और यहाँ पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तमाम जो अधिकारी हैं मेंबर उनकी बैठक ली और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में किस तरह से और आगे इसका प्रचार प्रसार किया जाए उसके बारे में विचार विमर्श किया। क्योंकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से जब बातचीत की गई तो उन्होंने उनके में से, यानी कि 2016 से कुरुक्षेत्र उत्सव के तौर पर महाभारत उत्सव होता हुआ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है, चाहे वो मॉरिशस में मनाया जाता हो, कनाडा में, लंदन में, तमाम जो विदेशी कंट्रियां हैं वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ऊर्जा को लेकर वो लगातार पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, तमाम राज्यों में जा रहे हैं कि ऊर्जा के एनर्जी को लेकर 2047 का जो मिशन है, यानी कि उस तक किस तरह से काम करना है, हरे देश के तमाम कोने में ऊर्जा की सप्लाई हो, उसको लेकर लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि मेरा मिशन है कि ऊर्जा को लेकर जो अधिकारियों की बैठक ले रहा हूं उसको ले, उसी के रिगार्डिंग लगातार पंजाब जा रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं तो कभी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्री के तौर पर केंद्र में मंत्री हैं, हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उसको लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। और आज कुरुक्षेत्र पहुंचे थे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसको पटल पर और आगे किस तरह विकसित किया जाए, गीता का संदेश को विदेशों में तो जा ही रहा है और जहां जहां पहुंचाने की जरूरत है उस पर किस तरह से काम किया जाए, तो इनको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और फतेहाबाद में एक बड़ा हादसा टल गया है, श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस आग का गोला बनी है। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के पास हादसा हुआ है, बस चालक ने समय रहते सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, देखते ही देखते बस जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। हिसार से श्रद्धालुओं को लेकर सिकंदरपुर जा रही थी बस, तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस सिकंदरपुर जा रही थी, फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के पास।